Hello friends. If you never scribe my channel yet, so please make it scribe first. Click on scribe button. Also click on bell icon for always found my hacking tricks first. Thank you. चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अपने मोबाइल स्क्रीन हम अपने लैपटॉप पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस पे हम जो गेम्स खेलेंगे वो हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे शो होगी और हम इससे बहुत इंजॉय कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ कि हम ये सब कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा। प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है वाइजर। वाइजर मैं सिंपली इसको ओपन करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इससे पहले आपको एक इसका डेवलपर ऑप्शन अपने मोबाइल को ऑन करना पड़ेगा ताकि यूएसबी कनेक्ट कर सकें आप। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाके अगर मेरा ये डेवलपर ऑप्शन शो हो रहा है, अगर आपका डेवलपर ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो आपको ये एंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अबाउट डिवाइस। अब अगर आपके मोबाइल को योर है तो वहाँ अबाउट फोन लिखा होगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है बिल्ड नंबर। बिल्ड नंबर पर आपने 6 या 7 क्लिक करना है ताकि आपका डेवलपर ऑप्शन शो हो जाए। इस पर आपने क्लिक कर देना है और बाहर इधर आपका डेवलपर ऑप्शन शो हो जाएगा। आपने सिंपली इसको ओपन करना है और यहाँ पे यूएसबी डबिंग को ऑन करना है। चलिए अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की जानिब। अब आप देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन ओपन हो चुकी है और यहाँ पे सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है वाइजर फॉर क्रोम। और इसके बाद आपने वाइजर क्रोम वेब स्टोर इसको सिलेक्ट कर लेना है, इस पर क्लिक करना है आपने। अब अपने ऐड टू क्रोम पर क्लिक करना है ताकि वाइजर की एक्सटेंशन आपके क्रोम में ऐड हो जाए। अब आपने ऐड ऐप पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि नीचे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं वाइजर की एक्सटेंशन क्रोम में ऐड हो चुकी है। सिंपली आपने इसको ओपन करना है और इससे पहले आपको एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसके ज़रिए हम अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकेंगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ड्राइवर यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। विंडो यूज़र नीड, इस पर क्लिक करना है अपने ADB ड्राइवर पे। यह आपको उस ड्राइवर के लिंक पे ले जाएगा जहाँ से आप इसका ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। आपने इस ड्राइवर को अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने सिंपली उस लिंक पर क्लिक करके इस ड्राइवर को डाउनलोड कर लेना है, फिर अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है जैसा कि मैं आपके सामने इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब आपने इसको ओपन करना है, अपने मोबाइल को आपने डिस्कनेक्ट कर देना है अपने पीसी से इस ड्राइवर को इंस्टॉल करने से पहले। ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपली मैं अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करूंगा। अपने मोबाइल को पीसी से कनेक्ट करने के साथ ही आपको एक ऑप्शन शो होगा और आपने इसको अलाउ कर देना है। ऑलवेज अलाउ दिस कंप्यूटर, इस पर क्लिक करके आपने ओके पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो चुका है।
अब मैं सिंपली व्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। मैं अपने मोबाइल को अपने पीसी के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकता हूं, और जो मैं अपने मोबाइल पे करूंगा वो भी इस पे शो होगा। अगर आप इसके फुल फीचर्स हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि डाटा केबल के साथ कनेक्ट किया गया है मोबाइल लैपटॉप के साथ, इसे हम वायरलेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये क्रैक करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फिर आप इसके फुल फीचर्स इस्तेमाल कर सकेंगे।